उद्धव ठाकरे से शिवसेना का पार्टी सिंबल तीर कमान छीनने की जंग में एकनाथ शिंदे भारी पड़ रहे हैं। विधायकों के बाद संगठन से जुड़े शिव सैनिक, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी और अब लोकसभा सांसद भी शिंदे के साथ आ चुके हैं। कुल मिलाकर उद्धव के हाथ से शिवसेना का तीर कमान फिसलना लगभग तय है। शिंदे गुट जोर शोर से शिवसेना का सिंबल हासिल करने में लगा हुआ है, जिसमें बीजेपी भी हर तरह से शिंदे गुट का सपोर्ट कर रही है। बीजेपी चाहती है कि शिवसेना का सिंबल शिंदे गुट को मिल जाए, जिससे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिवसेना का सामना न करना पड़े। हालांकि अभी सीधे तौर पर तो मामला चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचा है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सांसदों के समर्थन के बाद एकनाथ शिंदे चुनाव आयोग के पास जाकर शिवसेना पर दावा पेश कर सकते हैं। शिंदे गुट की पार्टी सिंबल पर कब्जे की स्ट्रेटेजी को देखते हुए उद्धव की शिवसेना ने 11 जुलाई 2022 को चुनाव आयोग में कैविएट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि शिंदे गुट की किसी भी मांग पर विचार करने से पहले उन्हें सुना जाए। अगर किसी भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तर की पार्टी में कोई मनमुटाव होता है तो चुनाव आयोग ही फैसला करता है कि असली पार्टी किसकी है। चुनाव आयोग को यह अधिकार द इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के पैराग्राफ 15 के तहत मिला है। तो अगर शिंदे गुट पार्टी सिंबल पर दावा पेश करने के लिए चुनाव आयोग जाता है तो पहले पार्टी के वर्टिकल बंटवारे की जांच होगी, जिसमें विधायिका और संगठन दोनों देखे जाएंगे। बंटवारे से पहले पार्टी की टॉप कमेटियों और डिसीजन मेकिंग बॉडी की लिस्ट निकलेगी, जिससे ये पता लगेगा कि किस गुट में कितने मेंबर्स या पदाधिकारी हैं। अगर किसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही तरीके से समर्थन जस्टिफाई नहीं हो पाता तो आयोग पूरी तरह से पार्टी के सांसदों और विधायकों के बहुमत के आधार पर फैसला लेगा। साल 2019 में शिवसेना में कुल 56 विधायक थे। इनमें से 40 विधायकों ने 4 जुलाई 2022 को हुए फ्लोर टेस्ट में शिंदे गुट के पक्ष में वोट किया था। साथ ही शिवसेना के कुल 19 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद हैं, और शिंदे गुट का दावा है कि 19 लोकसभा सांसदों में से 18 उनके साथ हैं। इसके अलावा 7 जुलाई को ठाणे जिले के 66 कॉरपोरेटर, डोंबिवली महानगर पालिका के 55 कॉरपोरेटर और नवी मुंबई के 32 कॉरपोरेटर शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। शिंदे ने सांसदों और विधायकों की संख्या के आधार पर दावा किया है कि उनके पास 2/3 प्रतिनिधि हैं, इसलिए असली शिवसेना अब उनकी है। शिंदे के मुताबिक विधायकों और सांसदों के साथ कई जिलों के पदाधिकारी भी शिंदे गुट के साथ हैं, यानी शिंदे गुट ने संगठनों को भी तोड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में शिंदे गुट की स्थिति काफी मजबूत दिख रही है। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।